तैयार नहीं कर पाएगी। चुनाव तो कार्यकर्ता ही लगते, आयतता हुई एक व्यक्ति आया होगा उसके समर्थक आए होंगे, दोनों सीटें जो जीती है जोबट और प्रदीपपुर, ये तो आयतित उम्मीदवार है ना सर, पार्टी का कार्यकर्ता कहां नहीं नहीं कार्यकर्ता ही काम किया, बूथ पे तो कार्यकर्ता ही लगे। मैंने कहा ना कार्यकर्ता भाई व्यक्ति आया होगा, अब अपन कह सकते हैं कि इस समय तो अब सरकारी हमारी बनी, जो लोग आए सिंधिया जी के साथ में आई तो उनके कारण सरकारी बनी, तो अपन उनको भी कह सकते हैं, लेकिन जनता ने समर्थन इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के कारण, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़े वो। लेकिन बात अभी बिंद की कर रहे थे आप, वहां तो हार गए, जो कि 30 साल से आपकी सीट थी। कौन सी सीट? सतना जिले की, वो रेगांव नहीं, रेगांव भी अब उसका कर रहे हो, वहां के समीक्षा कर रहे होंगे क्यों हार गई, लेकिन लग तो आता रहेगा वो जीतेंगे। माने अगर बिंद और मालवा निवाड़ के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो बुंदेलखंड और मालवा की तुलना में बिंद में जहां सबसे ज्यादा आपको बढ़त मिली थी वहां पे कुछ चुनौती नजर आ रही, कम से कम देखो, जो सीट हारे वो आरक्षित सीट। देखो राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, चुनौती तो हमेशा रहती है, चुनौती रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि सब बाकओवर मिल जाएगा, तो कोई ना कोई सामने तो रहेगा, कांग्रेस रहेगी या कन्ने रहेगी। 2018 के परिणाम तो यही बताते हैं कि संघर्ष है, तो चुनौती तो रहेगी, एक तरफा नहीं है चुनाव। नहीं नहीं चुनौती तो रहेगी, लोकतंत्र है, चुनौती तो रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूत है, उसकी योजना भी अभी भी बन रही है, बूथ पर काम करें हम काम करते हैं। चलिए बात महाकौशल की, जहां अभी लास्ट आप जिम्मेदारी निभा रहे थे और वहीं आपको खुशखबरी मिलती है कि अब आपको एक नई भूमिका दे दी गई है, उस महाकौशल में जहां से कमलनाथ आते हैं, जो चेहरा अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, उस महाकौशल में जहां पे राकेश सिंह अध्यक्ष रहे हैं, विष्णु दत्त का भी बड़ा करीबी नाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बहुत करीबी है, तो वो महाकौशल में कोई चुनौती देखते हैं आप? नहीं महाकौशल भी अच्छा है, मैंने बताया ना उस पिछली बार कुछ थोड़ा जनजाति में था, महाकौशल में भी उसका असर था, तो उसके कारण पार्टी ने कार्यक्रम तय किए, पार्टी में जनजाति समाज के बीच में जा रहे हैं हम लोग, उनसे कह रही है, तो वो अब हमारे समर्थन में आ रहे, पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनजाति समाज रहा है, पिछले 2-3-4 चुनाव को उठा के देखे हम, तो इस बार भी जनजाति समाज हमको पूरा माफ। आप बार बार जनजाति समाज क्या रहे, क्योंकि 2018 में ये वोट खिसक गया था, लेकिन मोदी जी के गौरव दिवस जनजाति मनाया था, वो यही एक भाजपा की रणनीति का हिस्सा है कि आदिवासी वोट बैंक को अपने साथ लाया जाए, जो छिटक गया था। नहीं एक अपन आदिवासी वोट की चूंकि बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी तो हम तो कहते, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम तो सब समाज को लिए साथ में आगे ये बढ़ते जाना, ये गीत गाते गाते हम लोग। लेकिन जनजाति वर्ग के लिए तो संघ की प्राथमिकता सबसे ऊपर है, जनजाति भी, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों वर्ग को, अनुसूचित जाति का वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से, जो वर्ग अभी कम जुड़े हैं वो जुड़े, जो जुड़े हैं वो जुड़े रहे, ये इसकी रणनीति। इस पर फोकस इसलिए है, जब प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव कहते हैं कि ब्राह्मण और बनिया तो मेरी जेब में है, भाजपा की जेब में है। नहीं नहीं ये ऐसा भाव नहीं था उनका, उसको थोड़ा अलग तरीके से फिर वो किया गया, मीडिया ने थोड़ा मोड़ पेश किया, ऐसा कोई भाव नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी में सब नहीं, लेकिन बीजेपी के बारे में तो कहा जाता था कि बनियों की पार्टी है जमाने में, कब की बात है, बीजेपी या सब समाज, अगर बीजेपी को चाहे वो ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी हो सबका वोट मिला तभी तो हम लगातार सत्ता में। ओबीसी की बात आपने छेड़ी, ओबीसी के तो बड़े बड़े नेता आपके पास है, शिवराज सिंह चौहान है, उमा भारती है, भूपेन्द्र सिंह, मोहन यादव, लेकिन तमाम नेताओं के बीच में पिछड़ा वर्ग का जो मुद्दा टकरा रहा है, कांग्रेस उस पर कहते कि दुखती रख पर हाथ रख रही है। नहीं, कांग्रेस ने तो बहुत गुमराह करने का प्रयास किया, कांग्रेस ने ये ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति करती रही, कांग्रेस अनुसूचित जाति के नाम पर राजनीति करती रही, कांग्रेस ने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर कांग्रेस 60-65 सालों में ये करते तो आज भारतीय जनता पार्टी करने की क्या जरूरत थी, आज भारतीय जनता पार्टी को ये सब काम करने की जरूरत क्या थी, आज तो सब कुछ ठीक ठाक स्थिति रहती, लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, केवल चुनावी नारे रहते हैं उनके, और चुनाव आते हैं तो उनको लगता है चुनाव आ गए तो फिर वो सक्रिय होते हैं, बाकी कोई कांग्रेस का कोई एजेंडा है नहीं। तो कांग्रेस और कमलनाथ चुनौती मानते ही नहीं आप? नहीं नहीं कोई चुनौती नहीं, एक लाइन में आप कह रहे चुनौती नहीं, कांग्रेस में है कौन, कांग्रेस में कांग्रेस तय नहीं कर पा रही उनका, अभी तक कांग्रेस ने ये नहीं तय कर पाया है कि उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, वही प्रदेश अध्यक्ष है वही नेता प्रतिपक्ष है वही अपने लड़के को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कमलनाथ ही हमारा सीएम इन वेटिंग है, वही चेहरा है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा, कांग्रेस का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कौन है बताओ, कार्यकारी अध्यक्ष है राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये नहीं पता, कांग्रेस का अनुसूचित जनजाति समाज का आप पूछो कांग्रेस से आप प्रश्न करना, ये उनका नहीं है, जनजाति समाज का अध्यक्ष कौन है उनका, हमारे यहाँ एसटी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना ट्राइबल के, उनके ट्राइबल के मोर्चे का अध्यक्ष ही नहीं है अभी तक। क्या बात कर रहे सर आप पता करना, मतलब भाजपा में तो चेहरा सिमरन है। चुनौती से मतलब हमारा ऐसा है कि चुनौती तो मैंने जैसे कहा देखो चुनाव में हम जाएंगे तो कोई ना कोई तो सामने रहेगी तो हम चुनौती माने के चुनाव लड़ती है। भाजपा के पास क्या है सर, शिवराज या और भी बहुत कुछ? भाजपा के पास शिवराज जी के नेतृत्व में अभी
कुशल नेतृत्व है शिवराज जी का, भारतीय जनता पार्टी के पास बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन की बागडोर है, सुहास भगत जी हमारे संगठन मंत्री हैं। ये तीन नाम आपने बताए भाजपा संगठन की एक सत्ता और संगठन के तीन महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, लेकिन अब थोड़ा जैसे प्रदेश प्रभारी पहले भी था, लेकिन अब शिव प्रकाश जी, मनमोहन वैद्य, ये सब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, तो ये चुनौती है भाजपा के सामने इसलिए, या फिर एक नई व्यवस्था आगे बढ़ रही है? नहीं, कोई चुनौती कोई नहीं है। शिव प्रकाश जी को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उनका केंद्र संगठन ने तय किया, तो दीनदयाल परिसर उनका डेरा, तो उनका केंद्र है भोपाल, तो स्वाभाविक है। इसको केंद्र बनाने के पीछे मंशा क्या है? पहले भी ये तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो संगठन की योजना के अनुसार रहता है, किसको कहाँ करना, कैसे पे करना, ये तो कोई केंद्र का विषय, इसमें कोई मैं भी कोई मैं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी में एक स्ट्रक्चर काम करता है, व्यवस्था काम करती है, और ये अतिरिक्त कुछ जो व्यवस्था बनाई गई है शिवप्रकाश जी, अतिरिक्त राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, उनका प्रभार था, आते जाते थे, लेकिन अब इनका तो सुहास भगत जी और शिवप्रकाश जी आमने सामने, बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने होता ही नहीं है, मैंने कहा ना भाई उनके दीर्घ अनुभव की आवश्यकता पार्टी को मध्य प्रदेश जरूरत है। भाई शिवप्रकाश जी महाराष्ट्र के भी काम है उनके जिम्मे, तो अब आप कहोगे कि साहब वो महाराष्ट्र में, चूंकि केंद्र उनका भोपाल है, महाराष्ट्र का भी है उनके पास, उड़ीसा का भी है उनके पास, छत्तीसगढ़ का भी है, जैसे संगठन में थे, और मनमोहन वैद्य जी वो भी तो एक, वो भी संघ में भी केंद्रीय अधिकारी का कोई किसी ना केंद्र रहता ही है, जहां वो तय करते हैं, किसी का भोपाल रहता है, किसी का पटना रहता है, किसी का रांची रहता है, जहां से तय करती है। तो बरुआ जी अब इरादे क्या है, ये नई पारी जो मैं पहले पूछ रहा था, एक नई पारी में आपका अपना कोई एजेंडा या पार्टी जो आप कहते हो हमेशा, या हर कार्यकर्ता नेता कहता जो पार्टी कहेगी वो करेंगे, लेकिन आपने भी तो कुछ सोच रखा होगा? नहीं नहीं, हमारा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कहता है, और कहता नहीं करता ही है, भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं। नहीं आपको काम दे, मैं भिंड से प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी की और प्रदेश संगठन की इतनी कृपा है भिंड के ऊपर के दो दो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, दो उपाध्यक्ष हैं, दो मंत्री हैं कैबिनेट के, अभी तीन लोगों को हम लोगों को निगम का बनाया है, एक हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह जी, तो अभी जब मैं भिंड में गया था पहली बार तो मैंने सबके साथ यही कहा कि, और फिर सिंधिया फैक्टर अलग, पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है सब लोग मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी भिंड जिले की, तो भिंड में मतलब सत्ता और पांच सीटें हम लोग जीते भिंड की, ये टारगेट लेना हमको। लेकिन एक नेता आते हैं सर वहां से बाहर से, उनको नहीं हरा पाते हैं गोविंद सिंह, हालांकि वो कह चुके हैं कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं करेंगे, इस बार सब बैठ के तय करेंगे। शैलेन बरुआ को क्या हार से तैयार किया जा रहा है? नहीं ऐसा कोई नहीं, कोई मेरे कहने से तो होता नहीं, तो अरविंद भदौरिया है ना। नहीं नहीं, अरविंद जी हमारे नेता हैं, और अरविंद जी के साथ में तो हम आज से नहीं है, वर्षों से काम कर रहे हैं, आज भी वो हमारे विधायक हैं, मैं अटेर का निवासी हूँ, मंत्री हैं, मंत्री हैं वो हमारे, वहां से चुने हुए नेता हैं, तो ऐसा कोई नहीं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता कि हम ऐसा सोच लें हम लाहौर से या भिंड से या अटेर से, ऐसा कुछ नहीं, जो पार्टी तय करती है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करेगा वैसा करेंगे। नहीं लेकिन फिर भी अगर कहा जाता है लाहौर तो तैयारी तो करेंगे। नहीं मैंने कहा जो पार्टी कहेगी हमसे, केवल चुनाव की नहीं, पार्टी जी कहेगी कि आपको जाकर के उत्तर प्रदेश में काम करना है तो वहां कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, कर रही है, आपको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, मैं जालौन में लगाया तो वहां जाकर काम कर रहे, तो पार्टी जहां कहेगी वहां काम करेंगे। लेकिन एक भूमिका तो बनाई जाती है ना सर, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा तो जाता है, पूरा प्रदेश आपने देखा है, लेकिन अगर लाहौर में बैठने को कहा गया कि थोड़ा ध्यान रखिए तो तैयार है? नहीं नहीं, अभी नहीं कहा गया, अभी तो मुझे ये कहा गया पाठ्य पुस्तक निगम की जिम्मेदारी दी गई है, पाठ्य पुस्तक निगम में हमको काम करना है, और फिर जब समय समय पर जो पार्टी कहेगी जो संगठन कहेगा वैसा हम करेंगे। लेकिन पाठ्य पुस्तक निगम की चलो बात कर लेते हैं सर, ये तो शिक्षा विभाग के अंदर इंदर सिंह परिवार, वो जो आपके सहयोगी हैं, आप लोगों में बेहतर तालमेल है? नहीं अच्छा, इंदर सिंह जी के साथ बरसों हमने विद्यार्थी परिषद में काम किया है। तो इसमें पाठ्य पुस्तक निगम के जरिए सर आपसे क्या दायित्व है सर, इसके जरिए क्या सिर्फ किताबें फ्री में बांटना या कुछ और शिक्षा का एजेंडा कुछ अलग आगे बढ़ाएंगे? पाठ्य पुस्तक निगम का मुख्य काम ये है कि एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सबको सहज सरल और सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो मुख्य नीचे गांव-गांव तक, तो हम पुस्तकों का हमारा मुख्य काम ये है कि हमको राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र हमको सिलेबस देता है, एनसीईआरटी की बुक्स आती है वहाँ से सिलेबस आता है, हम उनको छपवा करके और नीचे तक स्कूल तक वो पहुँच जाएँ, ये कुल मिलाकर के बड़ी चुनौती रहती है समय पर पहुँच जाएँ, क्योंकि बड़ी संख्या में स्कूल हैं गांव-गांव तक स्कूल हैं, तो उन स्कूलों तक पहुँच जाएँ वो और अच्छी क्वालिटी की पहुँच जाएँ, ये कुल मिलाकर पुस्तकों को पहुंचाना या शिक्षा मंत्री के साथ बैठ के एक नया तालमेल नहीं वो भी बनाना कि इतिहास बदला जा रहा है इस वक्त भाजपा पे ये आरोप लगते हैं तो शिक्षा के आधार बनाकर के कई नई चीज जो भूले बिसरे आप लोग कहते हो कि
कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका स्वतंत्रता के उसमें योगदान था, जिसको कांग्रेस के 70 साल में भुला दिया गया। ये सब शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा कि आने वाले दिन में, क्योंकि इंदर सिंह और शैलेंद्र बरुआ की जोड़ी बड़ी तगड़ी बनवाई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो नई शिक्षा नीति आई है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये वो है मुझे लगता है 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद अब 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। तो नई शिक्षा नीति आई है उसमें ये सब बातों का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि शिक्षा सबको नीचे तक पहुंचे, उसके लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी भी अभी नई उन्होंने सीएम राइज स्कूल करके नए एक प्रकल्प शुरू किया है। तो उस कुल मिलाकर के शिक्षा की क्वालिटी हो, शिक्षा सबको उपलब्ध हो, उसके साथ माननीय अपने शिक्षा मंत्री के साथ बैठकर के बाकी विषयों पर भी बातचीत होगी। लेकिन कुल मिलाकर के पाठ्य पुस्तक निगम का काम ये है कि हमको पुस्तकें समय पर और अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध हो जाए। संतुष्ट है इस भूमिका से? बिल्कुल। दूसरे निगम मंडल से कोई आपकी अपेक्षा थी? कहा जाता है कि शैलेंद्र बरुआ तो संतुष्ट है, जो काम दे दिया ठीक है। नहीं किसी को और शैलेंद्र बरुआ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो जो जिसको जो काम दिया जाता है वो सब लोग करते हैं, अच्छे मन से करते हैं। अच्छा, कैसा लगता है सर जब टिकट के लिए लोग आपके पास आते थे और अब आप दूसरों के पास जा रहे हैं, जैसा कि आप सबके पास जाकर मिल रहे हैं, हर मिनिस्टर से मिल रहे हैं, हर संघ के पदाधिकारी से मिल रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, तो बरुआ जी कुछ बदलाव? ये हम मिल रहे तो वो टिकट के लिए नहीं मिल रहे? नहीं, टिकट नहीं मिल रहा, लेकिन एक अपनी आप स्वीकारिता या जिम्मेदारी का एहसास है। वो तो तभी मैंने बताया ना, आपस में भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है, हम समय समय पर सब मिलते हैं। जो आपके दरवाजे आते थे ना सर, नहीं मंत्रियों से आप मिलने जा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मैं भी तब भी मंत्रियों के दरवाजे पर जाता, सब कार्यकर्ता है, भूमिका अलग अलग है, सबके दायित्व अलग अलग है और दायित्व भी ये स्थायी नहीं होते, बदलते रहते हैं, कल भूमिका किसी की कोई दूसरी होगी परसों। मैं वही समझना चाहता हूँ, ये भूमिका जो आपको नहीं मिली है, अब इस भूमिका में आगे आप क्या देखते हैं? अपने जीवन में कोई एक और लक्ष्य तो निश्चित रात को सोने के पहले सोचते होंगे? मेरा लक्ष्य एक ही है, जिस लक्ष्य को लेकर कि हम जब स्कूल जीवन से अपनी यात्रा, भाजपा को जिताना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश का विकास हो, भारत दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बने, जो मोदी जी का सपना है, जो शिवराज सिंह चौहान का सपना है, कार्यकर्ता कहता है, वही हमारा सपना और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, हर नेता का यही। तो ये जो मजबूत कड़ी रही संगठन मंत्री के तौर पर, ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, तो वाकई में इस व्यवस्था से क्या अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे थे, या कुछ आरोपों के चलते ये व्यवस्था खत्म? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो बातचीत हमको किया गया दूसरी व्यवस्था में, तो बातचीत तो की जाती, लेकिन कुल मिलाकर के संगठन ने तय किया और समय समय पर तय करते रहते हैं। भाई बीच में तय किया कि संगठन में भी बदलाव हुए, कि भाई इतने पहले एक महामंत्री होता था, फिर बाद में जिले में 3 महामंत्री किए, पहले संगठन महामंत्री जिले में होता था, फिर बाद में तय किया संभाग में रखेंगे, फिर बाद में तय किया प्रदेश स्तर पर रहना चाहिए। तो ये संगठन की इंटरनल आंतरिक रचना है, भाजपा का पार्टी का अपना संविधान है। लेकिन इस दौर में जब बूथ विस्तारक 20,000 तलाशे जा रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी हाथ में ले रही है, इसका मतलब क्या है सर? वक्त के साथ चुनौतियों को चिन्हित करके नए सिरे से आगे बढ़ना, या वाकई में पुराने नेता और कार्यकर्ताओं से पार्टी को बाहर निकालना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं लोकतंत्र में चुनाव बूथ पर ही होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रारंभ से ही हम कहते रहे, जब युवा में संगठन मंत्री था, जो सीनियर अनुभवी लोग हैं, अब उनको हटाना भी एक नहीं, हटा किसी को नहीं, नए कार्यकर्ताओं के लिए मार्ग कैसे प्रशस्त? नहीं नहीं, हटा किसी को नहीं रहे बूथ पर, जो कार्यकर्ता है, बूथ की हमारी टोली बनी रहती है, बूथ पे अध्यक्ष रहते हैं, उनकी समिति रहती है, अभी बूथ के विस्तारक भेज रहे हैं 10 दिन के लिए, जो हम जैसे मैं भी जाऊंगा तो 10 दिन जाकर के 10 घंटे वो काम करना है भारतीय जनता पार्टी। मकसद क्या है सर? कुल मिलाकर के बूथ पे कैसे मजबूत हो भारतीय जनता पार्टी, बूथ पर, क्योंकि मैंने बताया ना अंततोगत्व चुनाव बूथ पर ही होते हैं, पन्ना पे पहुंच गए हैं। हां पन्ना पे, लेकिन बूथ 30 दूरी 60, वो पन्ने के पन्ना वो बूथ पे ही होता है, मतदान केंद्र या कार्यकर्ता मतदाता वो बूथ पे ही रहते हैं। तो बूथ कैसे मजबूत हो, मजबूत है तो कैसे सक्रिय हो, वहां कार्यक्रम कैसे हो, वो कुल मिलाकर इसकी योजना है। कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, उन्होंने संगठन को गढ़ा मध्य प्रदेश में, तो उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन को मजबूत करना, इससे अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता था। सर, अपनी भूमिका पाठ्य पुस्तक निगम तक आप सीमित रखना देखना चाहेंगे, या फिर संगठन मंत्री जो काम करता था अगर पार्टी को जरूरत पड़े तो वो टास्क भी आप चुनौती जो पार्टी तय करेगी? मैं अभी पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष हूँ, पार्टी ने कहा है कि आपको उत्तर प्रदेश में काम करना है तो वहां काम कर रहा हूँ, पार्टी जो संगठन तय करेगा वो काम करेंगे। तो बरुआ जी, चर्चा को विराम दें, कोई बात आप जो कहना चाहते हो, कम से कम बदलती बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन के इस दौर में शैलेंद्र बरुआ जैसे एक अनुभवी संगठन मंत्री, मजबूत कड़ी भाजपा का, जिसने पूरे प्रदेश को देखा, वो क्या कहना चाहेगा और किससे कहना चाहेगा? मैं तो कुल मिलाकर के संगठन मंत्री के नाते अभी तक काम किया, मेरा कार्यकर्ता के नाते काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता असामान्य पदों तक पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है,
कि नहीं इसी परिवार का व्यक्ति वहां पहुंचेगा, कोई व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। बाकी पार्टियों को देखेंगे तो व्यक्ति का चेहरा देखेंगे तो पार्टी ध्यान में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगला नेता कौन होगा, कार्यकर्ताओं में से होगा, किसी को नहीं पता। तो कार्यकर्ता अच्छी मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से, पार्टी की रीति नीति से काम करेंगे तो सबको अवसर मिलता है। तो चलिए, ये थे शैलेंद्र बरुआ। भूमिका बदली है,